सुखदेव भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस झांसी वाली रानी इस देश को आजाद ना कराते अपनी जान देकर तो ना तो हम यहाँ पे रागनी गा रहे होते और ना ही आप यहाँ पे रागनी सुन रहे होते। कहाँ होते? होते किसी अंग्रेज के पास जूते साफ कर रहे होते, झाड़ू लगाए उठ रहे होते। इसीलिए कहा कि इस देश में आजादी ऐसे नहीं आई। 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया जब जाके आजादी आई। आइए उन शहीदों को याद करते हैं। कहा कि ये भारत देश वो देश है जिस देश में कैसे कैसे देशभक्त हुए और कैसे कैसे देवी देवताओं ने अवतार लिया। सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहां कृष्ण की मुरली और मीरा की घुंघरू, कि जिस देश में माँ पार्वती की दया होती हो तो वहां तो भोलेनाथ का डमरू बजेगा ही, और जहां कृष्ण भगवान की मुरली बजती हो तो वहां पे मीरा तो नाचेगी ही। इसीलिए कहा जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। जिस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं, जिस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया के अच्छे इंसान रहते हैं। जा पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जा कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। हमारे बीच में सुमित्रा जी जो हमारी माता जी हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए का आशीर्वाद तो हमारी टीम के लिए दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सुमेश शौकीन जी के लिए तन मन धन से हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। सुनिए देशभक्ति रागिनी, एक एक लाइन एक एक शब्द उन वीर शहीदों के लिए क्या कुछ कवि ने लिखा। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। अरे जिस देश में आप रहे
जाते हैं कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तल पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या। अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है, ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां हरी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये देश वो देश है जहां ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसी ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ के इस देश के लिए कुर्बानी दी। दूसरी लाइनों में क्या बताया, हकीकत धर्म के दीवाने, आज भी याद है वो वीर परवाने, मुगलों ने आके यहाँ मुंह की खाई, शान से वतन की खातिर जान गवाई, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। कोयल कूके हुकी उठाए यादों की बंदूक चलाए, कोयल कूके हुकी उठाए यादों की बंदूक चलाए, वो सावन में बागों के झूले वापस आए रे, राजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, राजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, तो ये सामने बैनर लगा हुआ है दीपा फिल्म्स हरियाणवी कंपनी का। ये हमारी अपनी छोटी सी कंपनी है और ये जितना भी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, रागनी अभी तो डांस भी होंगे, डांस जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है सभी यूट्यूब के ऊपर दीपा फिल्म्स हरियाणवी चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रागनी सुनकर डांस देखकर कमेंट करके बताइएगा भी कि रागनी कैसी लगी कैसी नहीं।